एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद जो है फिर से मोबाइल उठाया है। और हुआ क्या फ्रेंड्स, शादी में मैंने ब्लॉग बनाने की बिल्कुल कोशिश करी थी और बना ही नहीं पाई। रीज़न बताती हूँ कि क्या रहा। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, बहुत ही माइनर सा, मतलब 1 से 2 मिनट के शूट किए होंगे मैंने, छोटे छोटे से क्लिप्स। क्योंकि हल्दी के दिन मैं जब दीदी के यहाँ पहुँची थी, उसके बाद से ना मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस भी बहुत थी, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी वो बहुत लेट हो गई थी। वैसे तो कभी मैं जिस ट्रेन से जाती हूँ वो लेट नहीं होती, लेकिन उस दिन वो बहुत लेट हो गई थी ट्रेन। तो उस दिन के बाद से ना एक रिलैक्स नहीं मिला मेरी बॉडी को। मैंने कोशिश, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था पूरी थी सोने की सब कुछ, लेकिन एक होता है ना कि आप अपने घर पे होते हो तो आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, जब आप घर पे नहीं होते तो वो कंफर्ट जोन चला जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मुझे ना नींद नहीं आई ढंग से, और नींद जब आपकी पूरी नहीं होती ना तो कहीं ना कहीं एक इंसान को थोड़ी सा टायर्डनेस रहती है, बीमार बीमार सा महसूस होता है। और जिस दिन शादी का दिन आया, मीन्स मेहंदी के दिन तक भी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन जिस दिन शादी का दिन था उस दिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था बॉडी में, अंदर से ना एक रिलैक्स नहीं था मुझे। ऊपर से शिवी भी मेरे पीछे पड़ी रहती है, वो मुझे छोड़ती नहीं है, एक सेकंड को भी नहीं छोड़ती है, गोदी गोदी गोदी। खासकर जब कोई भी भीड़ भाड़ का टाइम होता है ना वहाँ, उस टाइम तो वो मुझे बिल्कुल ही नहीं छोड़ती है, मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। अब पता है मेरा ये जो हाथ था ना, ये इतना दर्द होने लगा था उसको गोदी लिए लिए। और व्लॉग भी मैं कैसे बनाती, मतलब बच्चा गोदी में है तो आप कैसे व्लॉग बना लोगे। बहुत कोशिश की बनाने की लेकिन नहीं बना पाई, तबीयत भी ठीक नहीं थी। प्लस आप जब तैयार हो जाते हो शादी के माहौल में, आप हैवी ड्रेसेस पहन लेते हो तो और ज़्यादा अनकंफर्ट फील होने लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि बिल्कुल भी बॉडी में ऐसा एनर्जी ही नहीं लगी कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। बहुत ज़्यादा खूब बढ़िया, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब डांस वगैरह सब बहुत अच्छा हुआ बारात में। मतलब कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक सिर्फ डांस ही डांस हुआ है बारात चढ़ने में। जो एक होता है ना डांस ही डांस, डांस ही डांस, मतलब बहुत मजा आया था। लेकिन उस मजे में जो थकान थी ना, वो बॉडी के ऊपर इतनी हावी हो रही थी कि आप मोबाइल कैसे उठा के ब्लॉग बनाओ, मतलब मेरे से बन ही नहीं पा रहा था। क्योंकि कैसे बनाऊँ मोबाइल से ब्लॉग, शिवी गोदी में है और व्लॉग आप लोगों को बताइए मैं ही शूट करती हूँ अपने अपने चैनल के, तो हो ही नहीं पाया, मतलब मोबाइल उठा ही नहीं पाई, व्लॉग बना ही नहीं पाई। तो जितना कभी कभी कहते हैं ना कि आपको लाइफ में वो चीज़ सोच जो आप सोचते हो ना वो होती नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत प्लान करते हो कि हाँ उस दिन हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन होता वो है जो भगवान ने आपके लिए लिखा होता है। तो वही मेरे साथ में हुआ। मैंने सोचा तो था कि मैं दीदी के पास जब जाऊंगी प्रॉपर आप लोग उससे मिलवाऊंगी, अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन वो भी शादी के माहौल में इतनी बिजी थी कि मैं उससे भी नहीं आपको ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करा पाई और ना ही मैं व्लॉग बना पाई। मैंने बहुत सोचा था कि मैं बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन हो ही नहीं पाया। क्या करें, कभी कभी जो भगवान ने सोचा होता ना वही होता है। तो कोई बात नहीं, जब कभी फिर मेरा दीदी के पास जाना होगा तब मैं उससे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको, लेकिन शादी का व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई। हाँ, जो भी छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई है ना 1-2, वो मैं ज़रूर इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसका कोई मीन नहीं है, क्योंकि बस थोड़ा सा आप लोगों को हिंट लग जाएगा कि हाँ मैंने क्या पहना था। वैसे मैंने लहंगा पहना था और थोड़ा बहुत जो भी किया शूट वही दिखा पाऊंगी, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का रहा होगा। तो बस यही दिक्कत थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, टायर्डनेस थी और शिवी भी गोदी में थी, तो मैं कैसे बारात का पूरा व्लॉग बना पाती, हो ही नहीं पाया, सॉरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी दीदी से मिलना होगा मेरा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उससे अच्छे से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकूँ। क्योंकि जब भी अब मिलना होगा तो ओकेजनली ना होके रेगुलर, जब मैं उसके पास कभी कभी जाती हूँ ना तो 8-9 दिन के लिए रुकना हो जाता है मेरा उसके यहाँ, तो अच्छे से उससे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूंगी। अभी जो फिलहाल मैंने 1-2 मिनट का व्लॉग बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तो हाँ, मिलूंगी उसके बाद। ये वाला जो वीडियो भी डालने वाली हूँ ना, थोड़ा बहुत उसी को पसंद कर लीजिएगा, उसी को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताना कैसा है। बाकी कल से व्लॉगिंग प्रॉपर स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, ये वाला व्लॉग देख लीजिए जो बारात का उस दिन का थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, शादी वाले दिन का वो अभी मैं इसके, ये जो मैंने वीडियो डाला है ना अभी, इसी के साथ में ही मैं ऐड कर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो जरूर पूरा पूरा देख लीजिएगा, जो भी छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो है ना, कल तो मेहंदी का दिन था और आंखें देखो कितनी सूज रही है। रात में थोड़ा लेट सोए थे ना, और अभी ना ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, नहा धो भी लिया, बस बाल निकाले मैंने अपने, ये देखो पूरे बाल मेरे अभी भूस से हो रखे हैं। लेकिन कोई नहीं है, बस कुछ घंटों बाद रेडी होना है हम लोग सबको। तो अभी ना सभी लोग अपना अपना बिजी हैं कुछ खाने पीने में, ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है, कुछ लोग ऊपर हैं, अभी नहाना धोना चल रहा है। तो अभी देखते हैं कैसा क्या सिचुएशन होती है क्या। अभी शेखर भी आने वाले हैं, शेखर की ट्रेन भी आने वाली है, तो जल्दी वो भी आ जाएंगे आधा पौन घंटे में। फिर उसके बाद लंच वंच होगा, लंच करने के बाद सब रेडी होंगे, फिर जाएंगे हम अपने गेस्ट हाउस में। तो देखते हैं कैसा क्या सिचुएशन बनती है। तो ये है मेरा रेडी होने के बाद का लुक। लहंगा पहना है मैंने और मेकअप। मसी हाय करो सबसे मेरे ब्लॉग में। मसा जी आप भी हाय करो। बहना बीजी बीजी बीजी। ये बारात के निकलने के टाइम पर ढोल वगैरह बज रहा है। तो ये था छोटा सा क्लिप्स जो मैंने शेयर करी है आप लोगों के साथ में। मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा ब्लॉग, अच्छा कैसे लगेगा क्योंकि मैं उस दिन ब्लॉग बना ही नहीं पाई। लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो भी एक दो मिनट का शूट किया है वो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना चाहिए, कि मैंने क्या पहना था, क्या जो भी मैंने किया, तो वही मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। आई नो कि नहीं पसंद आया होगा व्लॉग, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा लुक पसंद आया हो या आपको लगा हो कि हाँ मेरे जो एफर्ट है वो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दे, सॉरी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोशिश रहेगी मेरी कि आप अपने कानपुर में आ चुकी हूँ और अभी फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना है कानपुर से, तो कोशिश रहेगी कि कानपुर के अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और दोबारा से मैंने गुड नाइट कर दिया, पहले गुड नाइट करी चुकी थी। आप लोग कहेंगे एक ही बात को कितना बार बार दोहराती हूँ मैं यार, सॉरी हो जाता है कभी कभी, माफ कर दीजिए। बाय बाय।